मेरा ये सवाल है, जिस तरह से बीजेपी शासित राज्य में अगर अडानी का निवेश है, वैसे ही कांग्रेस शासित राज्य में भी है, तो ये अगर फायदा ले रहे हैं या फायदा पहुंचा रहे हैं तो कांग्रेस वाले क्या ऐसे ही बैठे हुए हैं? सर, कोई भी बिजनेस ऐसे तो होता नहीं है कि हम किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। अब आपसे भी सवाल तो अभय दुबे जी पूछे, देखिए मेरे पास पूरा आंकड़ा है। एक मिनट, मैंने यहां पर दर्शकों को बताया, अगले 5 से 7 सालों में राजस्थान में 10,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता सीमेंट प्लांट जयपुर हवाई अड्डे को विकसित करने का, उसके बाद जून 2022 में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार में इन्वेस्ट राजस्थान आउटरीच प्रोग्राम के तहत बड़े निवेश के जो प्लेज वहां पर लिए गए, उसमें गौतम अडानी आपकी कंपनी की ओर से जो निवेश किया गया है, तो राजस्थान अलग तो है नहीं। और यहां पर देश में हम दिखा रहे हैं अडानी का कारोबार, राजस्थान में दूसरे सेक्टर्स में 8,200 करोड़ से अधिक का करार किया गया है, महाराष्ट्र में 705 करोड़ के डीगी पोर्ट का सौदा हुआ है। केवल एक दो राज्य ऐसे नहीं है, वहीं केरल की बात करें तो वहां पर 7,525 करोड़ के विंझी जाम पोर्ट का करार किया गया है, ओडिशा में 600 अरब रुपए के निवेश का करार किया गया है। ये अलग अलग हिस्सों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी का शासन है, 3 अरब डॉलर के पोर्ट प्रोजेक्ट का करार किया गया है। तमिलनाडु में 12,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट का करार है, वहां पर तो सरकार है नहीं बीजेपी की, अभय दुबे जी। तो देश के अलग अलग हिस्सों में ये गंभीर मामला है। आप जो आरोप लगा रहे हैं उसकी सबूत भी दीजिए। सबूत दे रहे हैं, सबूत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। सुनिए 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 गंभीरता से। इसमें दो क्लॉजेस थे कि आपको लोगों से उसमें अपने ओपिनियन लेने हैं और स्टेट गवर्नमेंट से, जिन स्टेट गवर्नमेंट से ये एयरपोर्ट हैं, उनसे भी आपको कंसल्टेशन करना है। उस प्रोसेस को भी खत्म कर दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के एम्प्लॉय ने प्रोटेस्ट किया, हड़ताल की। क्या कहा उन्होंने कि जयपुर पर इसको देने के जस्ट पहले 782 करोड़ रुपए खर्च करके अपग्रेडेशन किया गया, लखनऊ पे 583 करोड़ रुपए, अहमदाबाद पे 363 करोड़ रुपए, मैंगलोर पर 400 करोड़ रुपए, गुवाहाटी पर 823 करोड़ रुपए। इतना ज्यादा पैसा लगा के ऑलरेडी इनको डेवलप किया गया था। तो नियोजित रूप से ये साफ साफ राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए, ये जांच के दायरे में है कि कैसे रूल्स रेगुलेशन को वॉयलेट करके एक ही आदमी को देने की कोशिश की गई। मंत्रालय के ऑब्जेक्शन को भी हटा दिया, और इतना ही नहीं, एविएशन मिनिस्ट्री को तो आइडिया भी नहीं था। 2018 में जवाब दिया, जुलाई में, एक मिनट, जुलाई में पार्लियामेंट में जवाब दिया कि इनको अपग्रेड करने का कोई प्लान नहीं है। उसके पहले पीएमओ डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से कंसल्टेशन करके डॉक्यूमेंट तैयार करा रहा था। ठीक है, 2 अगस्त को एविएशन मिनिस्टर ने उसकी तस्दीक की कि हाँ, इसका प्रपोजल है एयरपोर्ट का। ठीक है, तो जो स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है हिंदुस्तान में, उसका आरोप है। वो व्यापार करें, अच्छी बात है, वैधानिक व्यापार करें, लेकिन उनके स्टॉक का मैनिपुलेशन किया साइप्रस, यूएई में, अगस्ता वेस्टलैंड में, जैसे हेलीकॉप्टर की ऊंचाई घटा दी गई, वैसा तो नहीं है दुबे जी। उन टैक्स हेवन्स में जिन 38 कंपनियों की लिस्ट दी गई है, उसकी जांच करनी चाहिए। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, जांच की आप बात कर रहे हैं, सदन के बाहर, संसद में राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो जेपीसी जांच की मांग क्यों नहीं उठाई गई सदन के भीतर? इस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, उस पर जवाब दीजिए आप, फिर बाकी मेहमानों के पास। कोई गंभीर सवाल नहीं है। ए टू जेड भ्रष्टाचार करने वाले, 2G से लेकर जीजाजी तक भ्रष्टाचार करने वाले, उनको लगता हर कोई अखंड भ्रष्टाचारी इनकी तरह। आप मुझे कृपा करके अभय दुबे जी बताइएगा कि जीवीके, जब आपने 2006 में जीवीके को मुंबई एयरपोर्ट दिया, तब आपने एग्रीमेंट किया था कि मुंबई के सारे जो उसमें जो स्लम डेवलपर्स हैं, उन सबको आप रिहेबिलिटेट करेंगे। आपने 2006 से 2014 तक आप सत्ता में थे, 8 वर्षों में क्यों नहीं रिहेबिलिटेट किया? और जीवीके के पास क्या एक्सपीरियंस था? कहां पर एयरपोर्ट चला रहा था? राहुल गांधी की ननिहाल में एयरपोर्ट चला रहा था क्या? कृपा करके मुझे बताइए, जीवर कौन सा एयरपोर्ट चला रहा था? और कृपा करके मुझे बताइए, एक ऐसा क्या अंश तक पूरे देश में जितने भी टेंडर्स इश्यू हुए हैं, क्या किसी की शर्तों का शिथिलीकरण नहीं होता है? और कृपा करके मुझे बताइए, कोल में तो आपने इतने घोटाले किए, आपको अगर लगता है कि कहीं घोटाला है तो आप उस घोटाले के खिलाफ दस्तावेज क्यों नहीं ले आते? आपने कहा रफाल घोटाला है, सुप्रीम कोर्ट की कसम खा के आपने झूठ बोला, और झूठ बोलने के बाद आपने सुप्रीम कोर्ट पे माफी मांग ली, तो आप सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे। अगर आपको अडानी से समस्या है, तो चूंकि राहुल गांधी को किसी उद्योगपति से नफरत हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई, उसके खिलाफ सबूत चाहिए। और भारत के जो रेगुलेटर्स हैं वो ग्लोबल क्लास के रेगुलेटर्स हैं,
अगर कहीं पर कोई समस्या होगी रेगुलेटर के सामने वो बात आएगी, सेबी है वो जांच करेगी, आरबीआई है जांच करेगी। आप ना सेबी को कोई डॉक्यूमेंट देते लेकिन पारदर्शिता के लिए क्या ये जरूरी नहीं है? ठीक है सर, मैं लौट रही हूं प्रेम शुक्ला जी, ठीक है।